निशान जो है वो बाल्टी का निशान है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का निशान है। हो सकता है अलायंस करेंगे हम, लेकिन उन लोगों के साथ करेंगे जो सेकुलर लोग हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम को फायदा मिले। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ लड़ने के लिए तैयार है। अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर की आवाम के पास सब क्लियर होगा। बीजेपी के अपोजिट में जो भी पार्टियां होगी, हम उसके लिए तैयार है अलायंस करने के लिए, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं करेंगे हम अलायंस, न प्री अलायंस न पोस्ट अलायंस। हम सेकुलर पार्टियां, जम्मू कश्मीर में क्या एक ही पार्टी है? जम्मू कश्मीर में बहुत सारी पार्टियां सेकुलर है, यहां बहुत सारे सेकुलर लीडर्स हैं, उनकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, कोई बड़ी पार्टी भी हो सकती है। जहां हमारी जरूरत पड़ती है, हम जिला किश्तवाड़ में, जिला किश्तवाड़ के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए हाजिर है। हमारे लिए, उनके लिए आपस में मिलजुल के चलना है। दरवाजे खुले हैं हर लोगों के लिए हमारे पास, आप आइए मिलिए, काम कीजिए। इलेक्शन आज तक नहीं था, हम काम नहीं करते थे पब्लिक का, हम करते थे। ये सब बेसलेस न्यूज़ है। दिल्ली से लेके जिला किश्तवाड़ तक एक रूमर फैलाई जा रही है थ्रू मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू सम ऐसे एलिमेंट्स जो एक माहौल ख़राब करते हैं महाराष्ट्र में। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब कांग्रेस छोड़ी, उनने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक पॉजिटिव वेव में उनने जम्मू कश्मीर को, जो डूबते हुए जहाज़ को एक दोबारा से वापस लाना है, कांग्रेस को अलविदा किया। ऐसी कोई खबर नहीं है जो पार्टी में, पार्टी के वर्करान, पार्टी के लीडर में ऐसी कोई बातचीत है। दिल्ली में जाना ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस के साथ मिलना है। जब आजाद साहब ने और उनके चीफ स्पोक्स पर्सन ने क्लियर कर दिया कि गुलाम नबी आजाद साहब का कोई भी कंटेक्ट कांग्रेस के सीनियर लीडर के साथ नहीं है, ना ही कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर ने हमारे साथ कंटेक्ट किया, ये लोगों में एक रूमर फैलाई जा रही है। मैं जम्मू कश्मीर और खासकर जिला किश्तवाड़ के तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम से ये मौजबाना गुजारिश करता हूं, गुलाम नबी आजाद और उनकी एंटायर टीम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में है, रहेंगे और थे। नहीं हुआ अभी तक, जो सबसे बड़ा चेहरा है जीएम सुनील साहब, अभी उसका नाम डिक्लेयर नहीं हुआ पार्टी की तरफ से। अभी जम्मू कश्मीर में 90 सीटें लड़ने जा रही है हर पार्टी, अभी किसका नाम डिक्लेयर हुआ? यहां सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टी एनसी, उनने अभी तक नहीं किया, तो हम कहां से करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मकसद यही है कि हम आवाम के लिए खड़े हैं, आवाम के लिए तैयार है, उनके कामों के लिए, जो उनके काम है उसके लिए तैयार है। उसके लिए एक ही हमारा चेहरा है, गुलाम नबी आजाद साहब। बट मेरा यही गुजारिश है आवाम से कि रूमर्स पे, न्यूज पे ऐसा मत जाए, अनटिल और अनलेस डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट बॉडी कोई डिक्लेयर करे, स्टेट में स्टेट बॉडी को डिक्लेयर करे, और आजाद साहब खुद, उसके जो बड़े बड़े नेता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि हमने क्या किया। अलायंस हम कर सकते हैं, लेकिन सेकुलर पार्टी जम्मू कश्मीर की 24 घंटे में आपके सामने, मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने सब आ जाएगा। यहां जब परसों हम शुक्रिया करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, जिन्होंने अनाउंस कर दिया जम्मू कश्मीर में इलेक्शन, तो 50 लाख से ज्यादा लोग जो है उसको वॉच कर रहे थे कि कब इलेक्शन अनाउंस हो, और उस दिन वो वेट कर रहे थे। तो ये रूमरे, ये खबरें, ये लोगों में फैलाना, हमारा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी जम्मू कश्मीर में कोई पार्टी बनेगी वो बीजेपी होगी, हिंदुस्तान में कोई नई पार्टी बनेगी वो बीजेपी के साथ में, ऐसा कुछ नहीं। जब हमने स्पष्ट क्लियर कर दिया कि हम बीजेपी को यहां से हटाने के लिए उठे हैं, हमने सेकुलर पार्टी के साथ हाथ मिला के बीजेपी को यहां गवर्नमेंट से बाहर निकालना, ताकि यहां वो गवर्नमेंट बने जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए काम करेगी, खिदमत करेगी, डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, यहां पॉजिटिव व्यूज चलाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि जो इलेक्शन हुआ इस पे लोग जो है जोश खरोश से जो है इस बार वोट निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, और हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की, जहां जहां से हमारी आपस में कंप्रोमाइज हमारे कैंडिडेट होंगे, हम वहां लड़ेंगे, जदोजहद करेंगे, जिता के असेंबली में भेजेंगे। उसके बाद हम अपने जो हमारे MLAs होंगे, जो गवर्नमेंट होंगी, आवाम के लिए हमें उनके साथ लड़ना भी पड़ेगा, हम तैयार है। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है लड़ने के लिए तैयार होगी, बाद में जो भी हमारी गवर्नमेंट में हिस्सा होगा वहां हम तैयार है। लेकिन जो रूमर है उसके लिए मैं आप लोगों से तमाम से गुजारिश करता हूं, ये सब गलत रूमर्स है, बेसलेस है, इसमें कोई ना सारे ना पाँव है। ये खबरें फैलाई जा रही है, वो भाग रहा, ये भाग रहा, वो जा रहा, ये जा किया। अभी गुलाम नबी आजाद साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया, इतना बड़ा लीडर, उनने लिखित में भेज दिया उनकी चीफ सपोर्ट पर्सन ने, ऐसा कुछ नहीं है।
कोई वास्ता हमारा कांग्रेस के साथ नहीं है, न है न रहेगा। शुक्रिया।